थर्ड स्प्रे, थर्ड स्प्रे जो होगी आपकी वो होगी फ्लावरिंग टाइम पर। फ्लावरिंग मतलब जब फूल आने वाला होता है, समझ में आ रही है बात? जब फूल आया नहीं है अभी, आने का समय हो रहा है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है पौधे में अक्सर फॉलिक एसिड की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से पौधे का गर्भपात हो जाता है। किसको किसको पता है कि पौधे का गर्भपात भी होता है? एक आदमी, दो आदमी। महिलाओं का गर्भपात होता है ये किसको किसको पता है? हाथ उठाओ जिनको पता है। यानी ये बात तो सबको पता है कि महिलाओं को गर्भपात, बच्चा 9 महीने से पहले अगर बच्चा गिर जाए तो उसको गर्भपात बोलते हैं, हाँ या ना? मतलब मैच्योर्ड नहीं हुआ वो बच्चा डिलीवरी के लिए, पर पहले ही गिर गया। तो उसके लिए आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं हैं वो फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां देते हैं महिलाओं के लिए, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, हाँ या ना? तो फॉलिक एसिड क्यों दिया जाता है? महिला का गर्भपात ना हो, मैं डॉक्टर इसलिए बता रहा हूं। आयरन इसलिए दिया जाता है उसमें जो खून में एचबी है, हीमोग्लोबिन है, वो भरपूर रहे। उसी तरह यानी अगर फॉलिक एसिड की कमी आ जाए महिला का अगर गर्भपात हो सकता है, तो पौधों का भी गर्भपात होता है, और वो गर्भपात होता है जब उसका फूल झड़ के नीचे गिर जाता है, उसी को पौधे का गर्भपात बोलते हैं। आज मैंने आपको नई चीज सिखाई, 3 किसान को पता थी, तो पानी के लिए पता तक नहीं थी। जाते हो खेत में, भिंडी का फूल झड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं झड़ा रहने दो, लौकी के फूल झड़े पड़े हैं बेल के, कोई बात नहीं पड़े रहने दो, हाँ या ना? आम का बोर झड़ रहा है, नीचे खूब झड़ रहा है, झड़ने दो, कोई परवाह ही नहीं है। अनार का पौधा है, उसका फूल गिर रहा है, गिरने दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इलाज। और इलाज क्या है? वो इलाज है फॉलिक एसिड। यानी ये स्टीम रिच आपके पौधे पे से फूल को झड़ने ही नहीं देगा, और जब फूल नहीं झड़ेगा तो उसका दाना बनेगा, उसका फल बनेगा, हाँ या ना? तो ये फूल गिरे ना, डंठल से चिपका रहे, हेल्दी रहे, उसको रोकने में मदद करता है। इसलिए तीसरा छिड़काव करना है फ्लावरिंग के टाइम, यानी जब फूल आने वाले हैं उस टाइम करना है। 1 लीटर पानी में 1 ml स्टीम रिच, 0.33 ml बायो 95, 2 ml इंटेक्ट एक्शन। तीसरा छिड़काव हो गया।